So welcome everyone. Let us start with the designing of a Turing machine. So the question is, design a Turing machine that accepts the language a to the power n, b to the power n. ठीक है. तो ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करने में सबसे पहले हमें क्या करना है? ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल. है ना, लेट अस टेक सम स्ट्रिंग. तो सपोज मैंने एक स्ट्रिंग ले ली ए टू द पावर थ्री बी टू द पावर थ्री, तो ये एक वैलिड स्ट्रिंग है. ठीक है, अब इसे देखते हैं कि इसे ट्यूरिंग मशीन कैसे प्रोसेस करेगी. सपोज यहाँ पे हमारे पास क्या है, बी है, ब्लैंक स्पेस है, देन वी आर हैविंग ए टू द पावर थ्री दैट इज ए ए ए एंड देन बी बी एंड बी and at last we are having again blank space and it is a infinite Turing machine. okay, initially hamara read write head kahan pe hai, ye uski position hai. all right, to ab dekhte hain one by one kaise hoga. to sabse pehle ki hum kya karenge, hum is a ko read, is a ko input tape se read karenge. और रीड करने के बाद अब हमें कुछ राइट भी करना है. तो हम राइट क्या कर रहे हैं, लेट सपोज मैंने इस ए की जगह राइट कर दिया कैपिटल एक्स. तो बेसिकली मैंने इस ए की जगह कैपिटल एक्स क्यों राइट किया है, सो दैट कि मुझे पता रहे कि ये ए जो है ये प्रोसेस हो चुका है. अब यहाँ पे है क्या, इक्वल नंबर ऑफ ए एंड इक्वल नंबर ऑफ बी. और यहां से हम क्या कहां मूव करेंगे, विल मूव टूवर्ड्स द राइट. ठीक है, सो वी आर हैविंग अ ए, वी हैव रेड अ ए, राइट, एंड देन उस ए को मैंने प्रोसेस किया. प्रोसेस करने के बाद हमने क्या कर दिया, उसे एक्स उसकी जगह राइट कर दिया हमने एक्स. एक्स ही क्यों राइट किया है, एक क्वेश्चन ये हो सकता है, हमने कुछ और क्यों नहीं राइट किया, क्या हम कुछ और सिंबल यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, ऑलराइट. तो चलो, अच्छा इसके साथ साथ हम पैरेलली क्या करते हैं, इसका ट्रांजिशन ग्राफ भी बना लेते हैं. तो हमारे पास एक इनिशियल स्टेट है क्यू नॉट, और जैसे ही हमने रीड किया ए, हमने क्या रीड किया, ए रीड किया, ए की जगह हमने राइट किया है एक्स, और रीड राइट हेड को हमने क्या किया, अब हम राइट में मूव कर रहे हैं. ठीक है, तो अब हम राइट में मूव करेंगे. तो यहाँ पे देखो इनपुट टेप में क्या होगा, हम राइट में मूव करते रहेंगे. अब क्या आएगा, ए आएगा, फिर एक और ए आएगा. तो जितने भी ए आएंगे बेसिकली हमें करना क्या है, हमें ढूंढना है बी. दैट मीन्स ए हमारे लिए इस स्टेज पे फ्रूटफुल नहीं है. तो हम क्या करेंगे, सारे ए को एक तरह से स्किप करते हुए चलेंगे. स्किप करने का मतलब क्या है कि अगर ए आता है तो मैं उसकी जगह ए ही राइट करूंगा, और मेरा जो रीड राइट हेड है वो राइट में मूव करता रहेगा. तो एक तरह से हमने सारे ए को स्किप कर दिया. अब हम पहुंचे इस बी पे. तो जैसे ही हमें बी मिलेगा हम क्या करेंगे, इस बी को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल वाई से. अब वाई से क्यों किया है, तो बेसिकली वाई से करने का मतलब ये है, सो दैट कि हमें पता रहे कि ये वाला बी हमने प्रोसेस कर चुके हैं. और जैसे ही मैंने वाई से राइट किया, अब मैं वापस आऊंगा दूसरा ए ढूंढने. यहां से क्या हुआ, सारे ए आपने स्किप किए, उसके बाद जैसे ही आपको मिला बी, जैसे ही हमें मिला बी, हमने उसे राइट किया वाई से, और यहाँ पे हमने लेफ्ट में मूव करना स्टार्ट किया. ठीक है, रीड राइट हेड हमारा लेफ्ट में मूव कर रहा है. अब आप देखो, अब आपको नेक्स्ट ए कहाँ मिलेगा, जो आपका लास्ट एक्स था उसके राइट में. यानी एक तरह से आपको रिटर्न में इस एक्स तक वापस जाना है और फिर राइट में मूव करना है. दिस मीन्स व्हाट विल हैपन, इन बिटवीन आपको क्या मिलेंगे, कुछ ए मिलेंगे. हमने क्या किया, इसके बीच में जितने भी ए मिल रहे हैं उन सब ए को क्या करो, एक तरह से स्किप करो और लेफ्ट में मूव करते रहो. Getting my point. So, हम ये लेफ्ट में मूव करते रहे.
अब लेफ्ट में मूव करते करते हम कहाँ पहुंचे, एक्स पे पहुंच गए। अब जैसे ही एक्स पे हम पहुंचे, इसका मतलब एक्स के जस्ट राइट में क्या है, नेक्स्ट ए है। तो जैसे ही हम एक्स पे पहुंचते हैं, फिर से एक तरह से प्रोसेस शुरू हो जाएगी। अगर हमें एक्स एक्स मिल रहा है, तो एक्स को हम अनचेंज रहने देंगे। अब सिर्फ अपने रीड राइट हैंड की डायरेक्शन चेंज कर देंगे। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि रीड स्टेट आपको तभी चेंज करनी है, या तो आपको कोई नया सिंबल मिल रहा है, या फिर आपका जो रीड राइट हैंड है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, अब देखो एक तरह से एक आइट्रेशन कंप्लीट हो गई। एक ए के करस्पोंडिंगली आपने एक बी को सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर से नेक्स्ट नेक्स्ट ए आएगा, फिर वही किया मैंने, उस ए को मैंने सब राइट कर दिया एक्स। तो फिर से मैं आई विल गो टू स्टेट Q1, और फिर मुझे मिलेगा ए। उस ए को मैं स्किप करूंगा, लेकिन यहाँ पे पिछले वाले आइट्रेशन से एक चेंजेस है कि अब बी तक पहुंचने से पहले आपको ये वाला वाई भी मिलेगा। ये ए तो स्किप हो गया, लेकिन इस वाई का क्या करें, तो हम क्या करेंगे, इसे भी स्किप करेंगे। तो यहीं पे इसी सेल्फ लूप में मैंने ऐड कर दिया वाई, इसे अनचेंज रहने दो, वाई ही रहने दो, और राइट में मूव करते रहो। दैट मीन्स आपको राइट में चलते हुए ए तो स्किप करने ही है, वाई भी स्किप करने हैं। ठीक है, तो ये वाला ए स्किप हुआ, फिर ये वाई स्किप हुआ, मिला बी। बी को मैंने फिर से क्या कर दिया, वाई बना दिया, और फिर मैं लेफ्ट में मूव करने लगा। ठीक है, प्रीवियस आइटरेशन से फिर से एक चेंज है। जब आप इस वाले सेकंड वाले वाई से लेफ्ट में मूव कर रहे हो, तो आपको ए तो मिल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वाई भी मिल रहे हैं, वो भी आपको स्किप करने हैं। तो सेम चीज, एक और मुझे ट्रांजिशन देना पड़ेगा, वाई जितने भी हैं उन्हें स्किप करते रहो और लेफ्ट में मूव करते रहो। तो उससे होगा क्या, ये वाला वाई स्किप होगा, फिर ए स्किप होगा, फिर एक्स पे पहुंचोगे, और जैसे ही हम एक्स पे गए, इमीडिएटली हम उसके राइट में मूव करेंगे और फिर से आ जाएंगे स्टेट Q0 पे। दैट मीन्स अभी हमारे एक तरह से दो आइट्रेशन खत्म हो गए। फिर से आप चले ए, ए को आपने राइट किया एक्स, फिर आप राइट में बढ़े, वहां पे आपको मिला वाई, फिर दूसरा वाई, वो दोनों स्किप हो गए, फिर मिला बी, बी के करस्पोंडिंग आपने कर दिया फिर से वाई। और जैसे ही आपने बी को वाई किया, अब आप कहाँ चलोगे, फिर से लेफ्ट में जाओगे एक ए ढूंढने, लेकिन अब ए तो कोई बचा नहीं है, तो आपका पॉइंटर कहाँ पे, आपका रीड राइट हैंड कहाँ आके रुकेगा, इस वाली पोजीशन पे। ठीक है, इस वाली पोजीशन पे कैसे रुका, वो लेफ्ट में मूव करता हुआ कहाँ जाएगा, इस थर्ड वाले एक्स पे जाएगा, और थर्ड वाले एक्स पे जाते ही वो राइट में मूव कर जाएगा। दैट मीन्स वो फर्स्ट वाई पे रुका है। अब आपको सिर्फ ये इंश्योर करना है कि यहाँ पे सारे वाई हैं और उस वाई के बाद ब्लैंक है, यानी कोई और बी नहीं बचा है। ठीक है, तो फिर से तीन आइटरेशन के बाद आई विल कम बैक टू Q0। अब मैं क्या करूंगा, एक और स्टेट ऐड करूंगा Q3, और इस Q3 के थ्रू मैं इंश्योर करूंगा कि जितने भी वाई आ रहे हैं, उन सारे वाई को मैं स्किप करता हुआ आगे बढ़ता रहूंगा। एक वाई आ गया, हो सकता है ऐसे ही और बहुत सारे वाई हो, सो यू विल कीप ऑन डूइंग दिस, राइट। तो इसने पहला वाई प्रोसेस किया, आगे बढ़ा, दूसरा वाई प्रोसेस किया, तीसरा वाई प्रोसेस किया, आफ्टर आफ्टर थर्ड वाई क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो यहाँ पे मैं कहूंगा अगर ब्लैंक स्पेस आ गया, तो इसका मतलब कोई भी बी नहीं बचा है, सारे बी जो है वो वाई से रिप्लेस हो चुके हैं, तो हम एक फाइनल स्टेट पे चले जाएंगे। कब जाएंगे, जब यहाँ पे मुझे मिल रहा है ब्लैंक स्पेस, उसे मैं ब्लैंक ही रहने दूंगा। और अब क्योंकि आप फाइनल स्टेट पे पहुंच गए हो, तो आपका रीड राइट हेड किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट डजंट मैटर। तो यहाँ पे आर लिख दो या एल लिख दो। ठीक है, अब अगर इसके लिए हम आईडीज लिखें, तो क्या क्या आईडीज बनेंगी, फर्स्ट आईडीज डेल्टा क्यू नोट पे, अगर हमारे पास क्या आ रहा है, ए आ रहा है, देन व्हाट वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग Q1, ए को हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं एक्स से, और रीड राइट हेड जा रहा है राइट डायरेक्शन में। सिमिलरली डेल्टा Q1 कोमा ए, तो हम Q1 पे ही हैं, ए की जगह हमने ए ही रखा है और राइट में मूव कर रहे हैं। थर्ड वन इज Q1 कोमा वाई, इसमें भी हम Q1 पे ही हैं और वाई की जगह वाई ही रखा है, राइट में मूव कर रहे हैं।
फोर्थ वन इज डेल्टा क्यू वन पे अगर मिलता है बी, सो वी आर गोइंग टू सम स्टेट क्यू टू, बी को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वाई से, और यहाँ पे हम मूव कर रहे हैं, रीड राइट हैंड हमारा जा रहा है लेफ्ट में, डेल्टा क्यू टू कोमा ए, तो हम ए को स्किप करके क्यू टू पे ही हैं, लेकिन लेफ्ट में रीड राइट हैंड जा रहा है। सिक्स क्या बनेगा, डेल्टा क्यू टू कोमा वाई, तो हम क्यू टू पे ही हैं, वाई एज इट इज है हमारा, नथिंग वी आर गोइंग टू चेंज, रीड राइट हैंड जा रहा है लेफ्ट में। सेवन्थ क्या बनेगा, डेल्टा क्यू टू कोमा एक्स, सो वी आर गोइंग टू क्यू नॉट, एक्स को हम एक्स ही रख रहे हैं, लेकिन रीड राइट हेड की डायरेक्शन हो गई राइट। नेक्स्ट क्या बनेगा, डेल्टा क्यू नॉट कॉमा वाई, तो हम इसे वी आर गोइंग टू सम स्टेट क्यू थ्री, वाई को हमने वाई रखा और राइट में मूव किया। नाइन्थ डेल्टा क्यू थ्री कॉमा वाई, तो इट विल बी क्यू थ्री ओनली, वाई विल बी वाई ओनली, एंड वील मूव इन राइट डायरेक्शन। द लास्ट वन इज डेल्टा क्यू थ्री कॉमा बी, अगर हमें ब्लैंक स्पेस मिलता है क्यू थ्री पे, सो वील गो टू सम क्यू एफ, दैट इज फाइनल स्टेट, बी को हम बी ही रहने देंगे, और रीड राइट हेड की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, आप राइट ले लो या लेफ्ट ले लो, क्योंकि हम एक्सेप्टेंस वाली स्टेट में पहुंच गए हैं, तो इट कैन बी, यू कैन राइट आर और एल, वॉट एवर यू लाइक। सपोज मैंने आर लिख दिया, ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द ट्यूरिंग मशीन फॉर अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एन इज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, राइट। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वील टेक एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एंड सी हाउ वी कैन डिजाइन अ ट्यूरिंग मशीन, ओके। इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, थैंक यू।